गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी एसे के विषय में अध्ययन करें। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंतर्गत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं में टॉपिक दिए गए होते हैं जिसके ऊपर पैराग्राफ लिखना होता है। हाई स्कूल में यह 6 अंक का होता है, इंटरमीडिएट में 10 अंक का होता है। यह डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक निबंध होता है, एक एसे होता है जो दिए गए टॉपिक और दिए गए संकेत के आधार पर पैराग्राफ बना करके उसका वर्णन किया जाता है। जितना अधिक से अधिक आप एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ेंगे, निबंधों को पढ़ेंगे, उतना ही अधिक आप कुशल होते चले जाएंगे। यहां हम सीधे एसे की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। बाकी चीजें इसके पहले बताई जा चुकी हैं। राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए पुलिसमैन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्लूज। कारण राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक वर्णनात्मक गद्य खंड लिखिए, पैराग्राफ लिखिए ऑन ए पुलिसमैन, एक टॉपिक है ए पुलिसमैन, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लूज, नीचे जो संकेत दिया गया उसके आधार पर। नीचे हिंट्स दिया है संकेत। पहला है इंट्रोडक्शन, है यूनिफॉर्म, यानी पुलिस वाले का वर्दी कैसा होता है, यूनिफॉर्म कैसा होता है, हिज ड्यूटी, उसके कर्तव्य क्या क्या है, यूजफुलनेस और उसकी उपयोगिता क्या है। हेडिंग डालिया ए पोस्टमैन, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन परिचय, एक पुलिसमैन इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एक पुलिसमैन एक सिपाही सरकारी नौकर होता है, पुलिसमैन इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, एक सिपाही सरकारी नौकर होता है, सरकारी सेवक होता है, ही इज एन इम्पॉर्टेंट मैन ऑफ द सोसाइटी, एक सिपाही समाज का महत्वपूर्ण आदमी होता है, ही इज एन इम्पॉर्टेंट मैन ऑफ द सोसाइटी, वह समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, ही हेल्प्स लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, वह देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, ही हेल्प्स ही कीप्स लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, वह देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। अगली हेडिंग है हिज यूनिफॉर्म, उसका यूनिफॉर्म कैसा होता है, ही वेयर्स खाकी यूनिफॉर्म, एक सिपाही खाकी वर्दी पहनता है, वेयर्स खाकी यूनिफॉर्म, एक सिपाही खाकी वर्दी पहनता है, ही वेयर्स हैवी ब्लैक बूट्स, वह भारी काले जूते पहनता है, ही वेयर्स हैवी ब्लैक बूट्स, वह काले रंग का भारी जूते पहनता है, ही टाइज ए लेदर बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, वो अपने कमर के चारों तरफ ही टाइज वो बांधता है, ए लेदर बेल्ट एक चमड़े का बेल्ट बांधता है, अराउंड हिज वेस्ट, वो अपने कमर के चारों तरफ एक चमड़े का बेल्ट बांधता है, ही हैज ए स्टिक आर्गन इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक डंडा या बंदूक होता है, ही हैज ए स्टिक आर गन इन हिज हैंड, उसके हाथ में डंडा होता है या बंदूक होती है, ही वियर्स ए कैप ऑन हिज हेड, वो अपने सिर पर टोपी पहनता है अकॉर्डिंग टू हिज पोस्ट, अपने पद के अनुसार, ही वियर्स ए कैप ऑन हिज हेड, वह सिर पर टोपी पहनता है अकॉर्डिंग टू हिज कैप, अपने पद के अनुसार टोपी पहनता है, हिज ड्यूटीज उसके कर्तव्य, ही हैज मेनी ड्यूटीज टू परफॉर्म, उसके पास करने के लिए बहुत सारे कर्तव्य हैं, ही हैज मेनी ड्यूटीज टू परफॉर्म, पूरा करने के लिए यानी करने के लिए उसके पास बहुत कर्तव्य होते हैं,
एज ड्यूटी इज वेरी हार्ड, उसका कर्तव्य बहुत कठोर है, उसका काम बहुत कठोर है। ही स्टैंड्स एट ऑल द इम्पॉर्टेंट क्रॉसिंग ऑफ द रूट्स टाउन्स एंड सिटीज। ही स्टैंड्स, वह खड़ा होता है, खड़ा रहता है। ही स्टैंड्स एट ऑल द इम्पॉर्टेंट क्रॉसिंग ऑफ द रूट्स, वह सड़क के सभी चौराहों के, जितने प्रमुख चौराहे हैं सड़क के, वहां खड़ा होता है। टाउन शहरों के एंड सिटी नगरों का, नगरों शहरों सड़कों पर जहां भी चौराहे हैं वहां वह खड़ा होता है। ही कंट्रोल्स द ट्रैफिक एंड कीप्स एन आई ऑन द क्रिमिनल्स। ही कंट्रोल्स द ट्रैफिक, वह यातायात को नियंत्रित करता है। ही कंट्रोल्स द ट्रैफिक, वह यातायात को नियंत्रित करता है। एंड कीप्स एन आई ऑन द क्रिमिनल्स, और अपराधियों पर नजर बनाए रखता है। एंड कीप्स एन आई ऑन द क्रिमिनल्स, और अपराधियों पर नजर बनाए रखता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, वह हमारी सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, वह हमारी सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ही गाइड्स अस, वह हमारा पथ प्रदर्शन भी करता है। ही गाइड्स अस, वह हमारा निर्देशन भी करता है, पथ प्रदर्शन करता है। इफ देयर इज एनी क्वारल, यदि कहीं कोई झगड़ा होता है, आर डिस्टर्बेंस व्यवधान होता है, इन इज एरिया उसके क्षेत्र में। इफ देयर इज एनी क्वारल, अगर कोई झगड़ा होता है, आर डिस्टर्बेंस अथवा व्यवधान होता है, इन हिज एरिया उसके क्षेत्र में। ही एडवांस रसेज टू दिस पार्ट, वह तत्काल उस जगह पर पहुंच जाता है। ही एडवांस रसेज टू दिस पार्ट, वह तत्काल उस तरफ जाता है। एंड कंट्रोल्स इट, और इसे नियंत्रित भी करता है। एंड कंट्रोल्स इट, इसे नियंत्रित भी करता है। इफ दी पीपुल डू नॉट ओबे, यदि लोग उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे। इफ दी पीपुल डू नॉट ओबे, यदि लोग उसके आदेश का पालन नहीं करेंगे। ही टैक्स करते हैं, ही टैक्स टू दी पुलिस स्टेशन, तो उन्हें वह पुलिस स्टेशन ले जाता है। इफ दी पीपुल डू नॉट ओबे हिम, अगर लोग उसके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। ही टेक्स देम टू द पुलिस स्टेशन, वह उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाता है। आर रिपोर्ट्स अगेंस्ट देम, अथवा उनके खिलाफ वह सूचना देता है, यानी पुलिस स्टेशन पर उनके खिलाफ वह सूचना दे देता है। ही गोज अबाउट इन द स्ट्रीट्स एट नाइट, वह रात में सड़कों पर गश्ती करता है। ही गोज अबाउट इन द स्ट्रीट्स एट नाइट, वह रात में सड़कों पर गश्ती करता है। एंड गार्ड्स आवर प्रॉपर्टी, और हमारे संपदा की सुरक्षा करता है फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स, वह रात में सड़क पर गश्ती देता है, पहरा देता है। एंड गार्ड्स आवर प्रॉपर्टी फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स, चोर और डकैतों से हमारी संपत्ति की सुरक्षा करता है। वेन एवर देयर इज एनी डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जब कभी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन होता है। वेन एवर देयर इज एनी डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और सरकार के खिलाफ जब भी कोई प्रदर्शन होता है। ही गोज देयर, वह वहां पहुंचता है, टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, तो कानून व्यवस्था बनाए करने के लिए, स्थापना करने के लिए वह वहां पहुंच जाता है। वेन एवर देयर इज एनी डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जहां कहीं भी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन अगर होता है। ही गोज देयर टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, तो कानून व्यवस्था पुनर्स्थापना करने के लिए वह वहां पहुंच जाता है। लास्ट एडिंग है हिज यूजफुलनेस, उसकी उपयोगिता। हिज यूजफुलनेस, उसकी उपयोगिता। इज वेरी यूजफुल फॉर द पीपुल लिविंग इन द सिटीज एज वेल एज इन द विलेज,
इज वेरी यूजफुल, वह बहुत लाभकारी है फॉर दी पीपल, उन लोगों के लिविंग इन द सिटीज एज वेल एज इन द विलेज, गांव साथ ही साथ नगर में रहने वाले लोगों के लिए वह बहुत लाभकारी है, उपयोगी है। इज वेरी यूजफुल फॉर दी पीपल लिविंग इन द सिटीज एज वेल एज इन द विलेज, वह गांव तथा नगर में रहने वाले लोगों के प्रति बड़ा उपयोगी है। He helps people to save them from accidents. वह लोगों को दुर्घटना से बचाने में सहायता प्रदान करता है। He helps people to save them from accidents. वह लोगों को दुर्घटना से बचाने में सहायता करता है। In big fairs, बड़े बड़े मेलों में he helps the women and children in trouble. बड़े बड़े मेलों में वह स्त्रियों और बच्चों की कष्ट के समय, परेशानी के समय सहायता प्रदान करता है। इन बिग फेयर्स, बड़े मेलों में ही हेल्प्स द वुमन एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को इन ट्रबल कष्ट के समय ही हेल्प्स इन फाइंडिंग लॉस्ट चिल्ड्रन। उतना ही नहीं, वह खोए हुए बच्चों की तलाश करने में, प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करता है। यानी वह खोए हुए बच्चों की प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करता है। एट द टाइम ऑफ द फेयर, मेलों के समय, एंड एक्सीबिशन और प्रदर्शनी के समय, एट द टाइम ऑफ फेयर्स एंड एक्सीबिशन, प्रदर्शनी और मेलों के समय इज वेरी यूजफुल, बड़ा लाभकारी रहता है, बहुत लाभकारी है। थीप्स एंड रॉबर्स रन अवे एट हिज साइड, चोर और लुटेरे उसे देख के ही भाग जाते हैं। थीप्स एंड रॉबर्स रन अवे एट हिज साइड, उसकी नजर पड़ते ही चोर लुटेरे बाहर खड़े होते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में ही इज सिंबल ऑफ लॉ एंड लॉ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, वास्तव में वह कानून व्यवस्था और सुरक्षा का प्रतीक है। वी शुड कोऑपरेट विथ हिम, हमें उसका सहयोग करना चाहिए। वी शुड कोऑपरेट विथ हिम, हमें उसके साथ सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दिए गए हिंट्स की सहायता से, दिए गए संकेत की सहायता से पैराग्राफ बना करके और एक अच्छा ऐसे लिखने की व्यवस्था करते हैं। और यह तभी संभव होगा जब आप अधिक से अधिक इसके विषय में अनुभव प्राप्त करें।